हेलो, मैं संगीता सिंह। आज मैं आपको आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित करने की आलेखी विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें से कुछ प्रमुख विधि है आवृत्ति आयतचित्र हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, आवृत्ति वक्र फ्रिक्वेंसी कर्व। वर्ग अंतराल आवृत्ति 0 से 10 के बीच है 5, 10 से 20 में है 13, 20 से 30 की में है 18, 30 से 40 में है 35, 40 से 50 में है 20, 50 से 60 में है 9। अब यहाँ हम एक क्षैतिज रेखा रखेंगे और एक ऊर्ध्वाधर रेखा रखेंगे। तो क्षैतिज रेखा के सहारे अब हम वर्ग अंतराल, क्योंकि इसमें हमारा 50 से 60 तक है, 0 से 10 और 50 से 60 है। अब यहाँ हम 0 से 10, फिर 20, 30, 40, 50 और 60, और इधर जो है हम आवृत्ति दिखाते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति इसमें हमारा 35 है, इसलिए इसको हम 40 या 50 तक दिखा सकते हैं। शून्य के से 10 के बीच जो है 5 है। अब जो है हम यहाँ 5 से ये वर्ग अंतराल जो है 10 तक लेंगे इसको। फिर अब 10 से 20 के बीच है 13, तो 10 से और 20 के बीच हम 13 लेंगे यहाँ। फिर 20 से 30 में है 18, तो अब यहाँ हम 18 लेंगे। फिर 30 से 40 में है 35, तो अब यह हम 35 तक इसको रखेंगे। फिर 40 से 50 में है 20, तो इसको हम 20 तक रखेंगे। फिर 50 से 60 में 9, तो अब इसको हम 9 तक रखेंगे। फिर इसमें आप बहुभुज भी बना सकते हैं। अब बहुभुज के लिए हम इसके मध्य बिंदु को लेते हैं। 0 से 10 वर्ग अंतराल के बीच 5 है आवृत्ति, तो ये मध्य बिंदु जो है यहां हम लगाएंगे। फिर इसी तरह से 10 से 20 के बीच जो 13 है, तो ये फिर 20 से 30 में 18 है, तो ये लेंगे। फिर 35, फिर 20 और ये 9। फिर इसको हम मिला देते हैं। फिर एक सरल रेखा द्वारा हम इसको मिला देंगे। ऐसे हम इसको मिला देते हैं। फिर इसको हम अलग भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहां पर बनाया हुआ है। ये जो है बहुभुज हमेशा यहां से बनता है ये, और इसके मध्य बिंदुओं को यहां हमने 5 लिया है, फिर 13, फिर 18 और 35, फिर ये 20 और ये 9। इसको हमने एक सरल रेखा द्वारा स्केल से मिला दिया है ये जो है। तो आप इस पर भी बना सकते हैं इसको, और अलग भी बना सकते हैं। और फिर इसको जो हमारा वर्ग अंतराल होता है अंतिम,
वहां हम इसको नीचे मिला देते हैं। अब ये आवृत्ति वक्र है, इसमें भी हम एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेंगे, जिस पर इधर वर्ग अंतराल और इधर आवृत्ति लिखी हुई होती है, या आप लिखेंगे इसको। और फिर यहां भी हम मध्य बिंदुओं को ही मिलाते हैं। अब यहां हमने 5 लिया है बीच में, फिर 10 से 20 के बीच जो है 13, फिर 18, फिर 35 और ये 20, फिर 9। और इसको जो है हम, ये वक्र है इसलिए हाथ से मिला देते हैं, ये हमने इसको हाथ से मिला दिया इसको। और फिर इसके सिरे खुले होते हैं, ये यहां से खुले होंगे क्योंकि ये वक्र है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।